नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हिंसा भड़की, जिसके बाद पूरा महकमा, मध्य प्रदेश शासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। और अब गृह मंत्रालय से अधिकारी खरगोन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जो नुकसान हुआ है खरगोन में उसका आकलन किया, साथ ही डीएम को सहायता राशि जो अलॉट की गई है उसे बांटने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दो अधिकारी गृह मंत्रालय के खरगोन पहुंचे थे, जिसमें एडीजीपी विपिन माहेश्वरी और गृह विभाग के एसीएस राजेश रजौरा शामिल थे। वे दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, वहां पर उन्होंने दौरा किया। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, आगजनी और हिंसा के बाद भारी तबाही हुई, और इसका आकलन करने के लिए राजेश रजौरा, जो कि एसीएस हैं, और एडीजीपी विपिन माहेश्वरी खरगोन पहुंचे थे। वहीं दंगा प्रभावित स्थलों पर पहुंचकर दोनों अधिकारियों ने आगजनी के शिकार मकानों और दुकानों का मुआयना किया, और साथ ही शासन द्वारा स्वीकृत 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जल्द से जल्द वितरित करने के निर्देश जो हैं वो डीएम को दिए हैं। इस पूरे मामले पर खरगोन के डीएम का क्या कुछ कहना है, एक बार आप भी सुनिए। एसीएस गृह विभाग और एडीजी सर दोनों आए हैं, जहाँ घटना हुआ था घटना स्थल भी जाके देखे थे, और जो विक्टिम्स है पीड़ितों का घर भी जाके देखे थे, और जो 1 करोड़ सहायता राशि जो गवर्नमेंट ने दिया है उसको जल्द से जल्द बांटने के लिए जो है हमको निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो है सभी समुदाय के लोग के बीच में भी जो है चर्चा किए हैं, इसके बाद जो है कैसे सामान्य स्थिति जल्दी वापस लेके आने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। जिससे मनसा है कि जो उनके घर टूटे उनके घर बना के दिए जाएंगे, तो वो कितने वैसे मकान जिनको बना के दिए जाएंगे? अभी हमने जो सर्वे किया है उसके बाद जो है हम आपको जल्दी से बता सकते। आपको बता दें कि लगातार खरगोन में जो हिंसा भड़की उसके बाद प्रदेश सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। वहीं अगर खरगोन की स्थिति बताएं तो लगातार खरगोन में कर्फ्यू जारी है, केवल कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील जो है वो दी गई है। वहीं जो अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने धार्मिक संगठनों के साथ भी मुलाकात की और आगे चलकर धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। वहीं बड़ा आदेश यहां पर जारी किया है 1 करोड़ रुपए की जो मुआवजा राशि है उसे बांटने का, साथ ही जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो इसको लेकर भी जो डिस्कशन है वो इस तमाम जो मुआयना किया गया उसके दौरान लिया गया है। और आगे चलकर भी जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि 10 दिन के भीतर जो तमाम अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाए। तो लगातार खरगोन जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और तमाम जो अधिकारी हैं वो खरगोन में विजिट कर रहे हैं और जल्द से जल्द खरगोन में पहले जैसी स्थिति स्थापित करने की कोशिश जो है वो लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। खबर खरगोन से भेजी है हमारे सहयोगी उमेश रेवलिया ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।